ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 21 अक्टूबर की श्रमदान की। अपसेट होना, किसने कुछ कह दिया, किसने कुछ अड़चन डाल दी, किसने कुछ गलत बोल दिया आपके बारे में, किसने कुछ आपके बारे में औरों को गलत अफवाह फैला दी, तो परमात्मा कहते हैं कि अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब समझो इसको। तो अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मभवा। खुशी खुशी जो चुकतू कर लेते हैं वो हिसाब किताब को और आगे नहीं बढ़ाते। मतलब कि अगर आप बदला लेने की भावना, अगर आप सोचते हैं कि उसने मेरे को ये बोला तो मैं उसको ये बताऊं, अगर मेरे बारे में किसी ने कुछ गलत फहमी फैलाई है तो मैं उस व्यक्ति के बारे में और गलत फहमी फैला दूँ, उसके बारे में दिखा दूँ कि वो कौन है। परमात्मा कहते हैं आप अगर ऐसे करते हो तो आप खुशी खुशी अपने हिसाब किताब चुक तो नहीं कर रहे हो, आप अपने हिसाब किताबों को बढ़ा रहे हो। तो यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ, है किसी ने कुछ कह दिया और आप अपसेट हो गए, पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा है। बिना आक्रोश में आके, बिना रोब में आकर के अगर हम पूछें कि क्या चीज़ है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है और वो अगर हमारे पर टॉन्ट मार रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, हो सकता है वो जेलिसी के द्वारा कर रहे हों, हो सकता है उनको हमारे साथ में असंतुष्टता है किसी चीज़ में, वो हमें हमसे बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं अपने आप को, तो उस कारण से भी कुछ लोग करते हैं, कुछ कह देते हैं हमें क्योंकि उनको हम कॉम्पिटिशन लिखते हैं उनके लिए। तो परमात्मा कहते हैं तो निश्चिंत हो जाओ, अगर आपने कुछ गलत नहीं कहा है, अगर आपने कुछ उनको गिराने के लिए आगे कोई कर्म नहीं किया है, या आप उनसे कम्पीट खुद भी नहीं कर रहे थे, आप उनको नीचे नहीं करा रहे थे, उनको नीचे नहीं दिखा रहे थे, अगर आप खुद ही नहीं कर रहे थे सब कुछ, तो निश्चिंत हो जाओ। परमात्मा कहते हैं ये बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू होने हैं। यहाँ क्यों हिसाब किताब चुकतू होने, बिकॉज हमने ठीक है सत्युक्त रहता में तो एक साथ हमने जन्म लिए, हम आपस में रहे, मिले जुले और बहुत खुशी खुशी रहे, पवित्रता से रहे, लेकिन जब द्वापर युग आया तो हम ही आत्माएं काम क्रोध लोभ अहंकार के वश होनी शुरू हो गई, आस्ते आस्ते एक ही बार में नहीं। और जब हम वश होनी शुरू हो गई तो हमने आपस के जो संबंध जो थे सत्युक्त रहता के जो मीठे संबंध थे उनको हमने बिगाड़ना शुरू कर दिया, और वही संबंध हमने 63 जन्म बिगाड़े हैं। तो आज वही आत्मा हमारे आसपास आकर के हमसे कुछ गलत कहती हैं, ऊंच नीच की बातें करती हैं, हमें धन दौलत से नुकसान देती हैं, कुछ भी करती हैं। तो हम परमात्मा कहते हैं हम अपसेट ना हों या हम उनको सामना ना करें उनका बिल्कुल रौब से, अहंकार से, क्रोध से, क्योंकि फिर हम हिसाब किताब चुकतू करने की जगह हम हिसाब किताब बढ़ा रहे होंगे। फिर परमात्मा कहते हैं निश्चिंत हो जाओ, ये बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकते होने, ऊपर जाके नहीं होने, यहीं करके जाना है। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ ना कहाँ निमित्त बन जाते हैं, इसलिए घबराओ नहीं। बाकी जो ब्राह्मण आत्माएं हैं अगर वो हमारे साथ में कुछ हिसाब किताब करती हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलती हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो हमारी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हमें और ताकतवर और हमें सहनशील बना रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर सहनशीलता नहीं आएगी, अगर हम ताकतवर नहीं बनेंगे तो हम किसी और बाहरी व्यक्ति के अगर द्वारा अगर ऐसी सेम प्रॉब्लम आई और हमने उनके साथ में कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो फिर धर्मराजपुरी में हमें हिसाब देना पड़ेगा। खुशी खुशी से चुकतू करो, इसलिए परमात्मा कहते हैं ये जो हिसाब किताब है इनको खुशी खुशी चुकतू करो, चाहे ब्राह्मण आत्मा बोल रही है आपको कुछ, चाहे आपके परिवार लौकिक परिवार की आत्मा आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रही हो, खुशी खुशी चुकतू करो, बोलो कि वाह वाह जो मैंने कुछ किया था गलत, मेरे को गाली दे करके, मेरे साथ में बुरा बोल करके, मेरी बुरी अफवाहें फैला करके मुझने जो करना था कर लिया, थैंक यू सो मच, अब मैं आगे नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने फिर से कर दिया तो फिर चुप तो नहीं हुआ। इसमें तरक्की मतलब उन्नति ही होनी है, क्यों हम आगे बढ़ जाएंगे, हम इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि हम उन चीज़ों से पार चले जाएंगे, परे हो जाएंगे उन चीज़ों से, हमें वो चीज़ें असर नहीं करेंगी। और क्या चाहता है इंसान कि वो इतना स्ट्रांग बन जाए कि उसको लोगों की बातें असर न करे, वो अपने मस्त तरीके से आगे बढ़ते जाए। ये सारी चीज़ें हमें ब्रह्म कुमारी में सिखाई जाती हैं, आप भी आकर के सीखेगा इसको जरूर। ओम शांति इसके साथ।